हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप मनरेगा कार्ड का बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको मनरेगा कार्ड में कितना पैसा आया हुआ है या नहीं। दोस्तों, यदि आप किसी गांव में निवास करते हैं और आपका मनरेगा जो कार्ड बना हुआ है और आप किसी ग्राम सेवक के अंडर में काम करते हैं तो वह आपको वहाँ पर पूरा पैसा नहीं देता और आपको कम पैसा देता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में वही मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आपका मनरेगा जॉब कार्ड बना हुआ है और आप वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, आप कैसे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके मनरेगा कार्ड में कितना पैसा आया हुआ है, कितना नहीं, और आपका ग्राम सेवक वहाँ पर आपको कितने पैसे काट कर आपको दे रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके मनरेगा कार्ड का कितना पैसा आया हुआ है, कितना नहीं। अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन करना है और आपको यहाँ सर्च में लिखना है नरेगा। नरेगा लिख के आप सर्च करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। आप इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ ग्राम पंचायत का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नरेगा कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। आप इसे थोड़ा यहाँ पर जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद आपको यहाँ जनरेट रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ जनरेट रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर सभी स्टेट की सूची आ जाएगी। इसमें जो भी आपका स्टेट है आप अपने यहाँ से स्टेट चुनेंगे। स्टेट चुनने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से नया पेज शो होगा। आपको यहाँ रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके नीचे ही आपको स्टेट का ऑप्शन मिलेगा। स्टेट के सामने आपको जो आपका स्टेट पड़ता है वह अभी वहाँ से चुना है वह यहाँ पर दिखाएगा। और यहाँ फाइनेंशियल ईयर में आप यहाँ पर अपना ईयर चुनेंगे जिस ईयर का आप चेक करना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आप यहाँ पर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करके अपना यहाँ से ज़िला चुनेंगे, जो आपका ज़िला है वह आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ज़िला सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ब्लॉक में नीचे अपना ब्लॉक चुनेंगे, जो आपका ब्लॉक है वह आप यहाँ से चुनेंगे। ब्लॉक चुनने के बाद आपको नीचे पंचायत का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके ब्लॉक में जितने भी ग्राम पंचायत है उनकी सभी की यहाँ पर सूची आ जाएगी। इसमें जो भी आपका गांव है आप अपना गांव यहाँ से चुनेंगे। गांव चुनने के बाद आप यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज इस तरह से ओपन होगा, आप इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने आपको यहाँ पर नंबर वन में जॉब कार्ड रिलेटेड रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके नीचे ही आपको नंबर चार में जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर क्रम संख्या में सीरियल वाइज क्रम संख्या दिखाएगा और यहाँ पर जॉब कार्ड संख्या में इसकी जॉब कार्ड संख्या दिखाएगा और इधर नाम में उसका नाम दिखाएगा जिस नाम से यह जॉब कार्ड बना हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पर अपना नाम चुनेंगे, जो भी आपका नाम है। नाम के आगे ही आपको यहाँ पर जॉब कार्ड संख्या मिलेगी, आप उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपकी जॉब कार्ड की सभी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, आपका जॉब कार्ड यहाँ पर आ जाएगा। इसमें जॉब कार्ड में आपको जितने भी नाम जुड़वा रखे हैं उनकी सभी की यहाँ पर लिस्ट आएगी और इधर जेंडर मेल फीमेल और एज और यहाँ पर बैंक दिखाएगा वह किस बैंक का अकाउंट उसमें लगा हुआ है। उसके बाद आप इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपके नरेगा कार्ड की सभी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इधर सीरियल नंबर में यहाँ पर सीरियल नंबर दिखाएगा और यहाँ पर नाम ऑफ अप्लीकेंट में यहाँ पर जिसके नाम आपने अपने जॉब कार्ड में जुड़वा रखे हैं सभी का यहाँ पर दिखाएगा नाम। और यहाँ मंथ ऑफ डेट ऑफ ईयर में यहाँ पर दिखाएगा जिस डेट में आपको काम किया है और जिस व्यक्ति ने आपके घर में से काम किया है परिवार में से उसका यहाँ पर नाम दिखाएगा और उसके आगे उसकी यहाँ पर डेट दिखाएगा किस तारीख में उसको काम किया है। और आपको यहाँ पर नो ऑफ डे वर्क नेम में यहाँ पर दिखाएगा जितने दिन उसे काम किया हुआ है और जिस जगह काम किया है वह दिखाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन में यहाँ पर दिखाएगा जितने दिन उसने कार्य किया था और उसका यहाँ पर पेमेंट आया था। इस तरह बड़े आसान तरीके से आप अपने नरेगा कार्ड की सभी डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपको अभी तक कितना पैसा मिला है, यहाँ पर आपके नरेगा कार्ड की सभी डिटेल आ। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वे भी अपने स्टेटस देख सकें।